ट्रेलर आज हमारा लॉन्च हुआ है और वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमारे सालों की मेहनत आज लोग उसे उसकी एक झलकी देखेंगे। मेरे किरदार का नाम है प्रीत, ये पेरिस में पढ़कर आई है लड़की, गुड़गांव की रहने वाली है, कैरी सिंह की बेटी है, कर्मा देवी है फैमिली में, निक्की सिंह है और चिंटू है, और इस कहानी के बारे में पूरी पिक्चर है। तो प्रीत इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन सटल वेरी यू नो सॉफ्ट स्पोकन गर्ल जो एक बदलाव लाना चाहती है एनवायरनमेंट में, वाटर रिजर्व्स क्रिएट करना चाहती है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन चाहती है, बट उसकी जो सिचुएशन है परिवार की वो बहुत डिफरेंट है, तो वो आधा टाइम बैलेंस करती रहती है सिचुएशन को, वो बहुत सोच समझ कर बात करती है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। अभी आपके कहना चाहेंगे किस तरीके के किरदार में इस बार आप? यार ये है थोड़ा सा डार्क किस्म का किरदार है। उसका जो फादर है उसे निगलेक्ट करता है और उसको बड़ा मतलब इस चीज़ का भड़ास है, उसको गुस्सा आता है कि मुझे निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है। और हमारे नॉर्थ में स्पेसिफिकली इंडिया में जो धंधे होते हैं, फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं, वो यूजुअली बच्चे या लड़के या मेल कैरेक्टर को मिलता है। लाइक इट्स पैट्रियार्कल सोसाइटी, इट्स पैट्रियार्कल सोसाइटी और नेपोटिज्म भी है और ये सारी चीज़ें, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बिजनेस मेरे पास आने वाला है। ऑब्वियसली इनको वो सब चाहिए मुझे चाहिए, ये मेरा मुझे लगता है मेरा हक है जनसिद्ध और बिल्कुल, और मैं इसके लिए लड़ता हूँ। और जो चीज़ें शायद मैं करता हूँ फिल्म के दौरान मॉरली और सोशली आप और मैं तय करोगे कि गलत है, बट इसको बिल्कुल गलत नहीं लगता है और मुझे इतना मज़ा आया कैरेक्टर निभाने में कि मैं चाहूँगा कि बार बार मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स मिल जाएं, बिकॉज मुझे बहुत बहुत बेहद मज़ा आया है। ओके, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको इस नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? बहुत सारी। एक तो मुझे, मेरी परवरिश बॉम्बे और अमेरिका में हुई है ज़्यादातर, तो मेरी जो भाषा है वो मुझे ज़्यादा हरियाणवी भाषा के समझ नहीं थी। थैंकफुली मैंने लाल रंग की हुई थी तो थोड़ा बहुत वो कनेक्ट था और मैं समझ सक मतलब मैं बट जाटू नहीं बोली ना मैंने उस फिल्म में, मैंने करनाली भाषा बोली है। तो एक तो मैंने भाषा पे बहुत काम किया, 2 महीने 4 घंटे रोज़ मैं हरियाणवी फिल्में देखता था, हरियाणवी गाने सुनता था। और एक मेरे बहुत प्रिय डिक्शन कोच हैं प्रकाश भारद्वाज, जो आमिर खान साहब के साथ काम करते हैं, उन्होंने मेरी मतलब बहुत मेहनत की। तो एक तो वो था और दूसरा था वो माइंड स्पेस में आने के लिए, बिकॉज़ क्या होता है कि मैं एक हंसता खेलता हंसमुख इंसान हूँ जहाँ तक मैं अपने आप को समझता हूँ, और मैं ज़्यादा ब्रूडिंग और शिकायत और गुस्सा वाला आदमी नहीं हूँ, तो उस माइंड स्पेस में आने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा। पर थैंकफुली हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, मेरे कोई दोस्त आसपास नहीं था, मेरी बीवी नहीं थी, कोई नहीं था, मैं अकेला आता था होटल रूम में फिर जाता था काम पे, तो इट वॉज मच ईजियर टू स्टे इन अ कैरेक्टर। तो वो पूरे 30 दिन शायद हमारी बात सबसे कम हमने बात ही नहीं की, हमने शायद फिल्म पे बात नहीं की, बिकॉज ये भी कैरेक्टर में थी, मैं भी कैरेक्टर में था, एंड इट वॉज द बेस्ट फॉर आर पार्ट्स, इट वॉज बेस्ट फॉर आर पार्ट्स, एंड आई थिंक द फिल्म रिक्वायर्ड इट, बिकॉज द डायरेक्टर द स्क्रिप्ट एवरीथिंग सीम लाइक यार इसमें तो अगर मैं ए गेम नहीं लाऊंगा ना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। आपने क्या क्या तैयारियाँ करी इसके लिए? देखिए मेरे लैंग्वेज कोच इस फिल्म के लिए जो हमारे फिल्म में किरदार निभा रहे हैं योगेश, वो थे, उन्होंने मुझे हरियाणवी सिखाई क्योंकि मैं हरियाणवी बिल्कुल नहीं जानती थी, मुझे बिल्कुल ऐसे भी नहीं था कि मैंने बहुत सुनी है। तो योगेश है एक मेरे दोस्त हैं महेश, जिनसे मैंने पेजेस निकलवाए, फिर मैंने बहुत सारे, ये मैंने कभी बताया नहीं, अभी मेरे को याद है मैंने यूट्यूब पे इतने हरियाणवी वीडियोस देखे, इतने मैंने बकायदा 2 हफ्ते सिर्फ बैठ के हरियाणवी वीडियोस हर मिनट देखे हैं, गाने सुने, फोक सॉन्ग सुने, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पे कैसे लोग, बिकॉज लड़की पैदा हुई और बड़ी हुई गुड़गांव में लेकिन पढ़ाई करने जाती है पेरिस, तो मैंने तो शंकर से ये भी कहा था कि अगर मेरे पास कुछ वक्त होता तो मैं पेरिस जाती, वहाँ स्टे करती, थोड़ा वहाँ का आर्किटेक्चर समझती, क्योंकि ये वहाँ आर्किटेक्चर सीख के आ रही है जो वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहती है। तो ये सब जो प्रीत की जर्नी रही है, मैंने उस पूरी जर्नी को समझने की कोशिश की कि वो बचपन से उसका जब उसकी पैदाइश हुई वो लड़की पर क्या क्या गुजरा होगा, उसने क्या क्या जिया होगा, कहाँ कहाँ गई होगी, कैसे उसके दोस्त होंगे, वो कैसा खाना खाएगी, कैसे कपड़े पहनेगी, कैसा सोचेगी, तो ये सब एक कैरेक्टराइजेशन का हिस्सा होता है जो हम सब करते हैं। ओके, कितना वक्त लगा आपको उस कैरेक्टर के अंदर घुसने में और वो उस लैंग्वेज को पकड़ने में? वक्त बहुत कम था, 2 ही महीने थे, क्योंकि अक्टूबर एंड नवंबर में ऑन बोर्ड आई और जनवरी 15 को हमारी शूट शुरू हो गई, तो मुझे बहुत एक मिनट पॉज कर तो भूल देते हैं। मॉली हाँ, वक्त मेरे हिसाब से तो बहुत कम था क्योंकि नवंबर अक्टूबर एंड में मैं ऑन बोर्ड आई और जनवरी 15 को हमने शूटिंग शुरू कर दी, सो फॉर मी इट वॉज वेरी लिटिल टाइम बट वी हैड टू डू इट। और हालांकि आई कांट कंप्लेन बिकॉज आई वर्क इन टेलीविजन जहाँ पे आपको 5 मिनट पहले 15 मिनट पेज के मोनोलॉग्स मिलते हैं, सो इट्स नॉट लाइक यू नो कि आप नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट आपकी मेहनत दुगनी हो जाती है एंड वो जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
I wish I got more time, but I'm very happy with whatever has come out. Yeah, you've done a great job. Yeah. Okay, जैसे कि अक्षय ने कर रखा है मतलब हरियाणवी लैंग्वेज पे काम, तो अक्षय ने कुछ सिखाया आपको? मैं हमने बात ही नहीं की, मैं आपको बता, मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं इसको, ये बता नहीं रही आपको, बताओ मैं क्या क्या सिखाया तुम्हें, कि बोलो कैसे बात नहीं करते स्टूडेंट्स पे. वैसे आई एम वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने गुड़गांव की शूटिंग शुरू की, मैं एक तो मैं वो कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ डील कर रही थी, तो मैं कॉर्नर में चुपचाप बैठी रहती थी. और ये और आशीष जो हमारे फिल्म में है, ये दोनों को मैं दूर से देखती थी, अरे लोग इतना एंजॉय कर रहे होते थे, इतनी इनकी मस्तियाँ चल रही होती थी, इनके सब जोक्स, इन्होंने तो मुझ पर भी बहुत जोक्स बनाए. ये मुझे शूटिंग के बाद पता चला, जब मैंने इनसे बात करनी शुरू की. एक्चुअली आई हैव एक्सप्लोर्ड हिम एज अक्षय आफ्टर द शूटिंग ऑफ द फिल्म. ड्यूरिंग द फिल्म तो वी नेवर, जेन्युइनली नेवर स्पोक, बिकॉज maybe it's my fault that I was overthinking about my part and my character. But they have known me more.